गरीब असहाय लोगों की सहायता को हमेशा आगे रखने वाले शाहपुर के समाज सेवी अभिषेक ठाकुर शंभु ने अब भोगहट्टी हादसे के पीड़ित परिवारों को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। अभिषेक ठाकुर ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को अपनी तरफ से 6 मरले जमीन मुफ्त में दान देने का ऐलान किया है। अभिषेक ठाकुर ने कहा कि वो हादसे में कई परिवार बेघर हुए हैं तथा उनकी जमीनें भी बह गई हैं, तथा उन्होंने निर्णय लिया है कि वे शाहपुर के भरियाल में स्थित अपनी जमीन उन परिवारों को दान करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार को 6 मरले जमीन दी जाएगी। प्रशासन के साथ मिलकर जमीन दान देने की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार वो तमाम सुविधाएं युक्त कॉलोनी का निर्माण करवाए जिससे इन्हें लाभ मिल सके। अभिषेक ने कहा कि बारिश के चलते शाहपुर में काफी नुकसान हुआ है। अनसुई में थोली बस्ती को जोड़ने वाली पुलिया भी बह गई है, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तथा अगर सरकार उन्हें अनुमति देती है तो वह अपने स्तर पर अस्थायी पुलिया का निर्माण भी करवा देंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की काफी सड़कें बंद हैं तथा वे उन सड़कों को खुलवाने के लिए अपनी जेसीबी भी देने को तैयार हैं। इसके एवज में उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों की हर संभव सहायता करने के लिए अगर राशन, बिस्तर और अन्य सामग्री की आवश्यकता होगी तो वे उसे भी पूरा करेंगे। मैं अपनी तरफ से स्वेच्छा से मैं अपने पिताजी कथा सिंह नंबरदार जी की तरफ से उनको एक श्रद्धांजलि है, उनके नाम से ही मैं भरियाल बडाला वहाँ जमीन है, मैं 6 मरले वहाँ पे जो घर से खत्म हो चुके हैं उनके लिए मैं स्वेच्छा से अपनी ज़मीन वहाँ देता हूँ उन लोगों के लिए रहने सहने के लिए। और करतार मार्केट की तरफ से भी हम वहाँ राशन वगैरह इत्यादि की ज़रूरत है तो हम उनके साथ हैं। तो कितने गरीब परिवार होंगे जिनको आप ये ज़मीन देंगे? जितने भी हैं 8-10 परिवार जो भी हैं उनके लिए मैं स्वेच्छा से वहाँ पर अपनी ज़मीन उनके लिए दे रहा हूँ। वो सरकार जैसे गाइडलाइन करेंगे, SDM साहब, तहसीलदार साहब वो आए, जब वो फ्री होते हैं तो वो आके चल के मौका दे के वहाँ पर मैं उनको अपनी जगह बता दूँगा, वो उस उनको उनके ट्रांसफ़र करके उनकी ज़मीन उनको दे दूँगा। आपने आपकी ओर से अभी सरकार या प्रशासन के किसी नुमाइंदे के साथ मुलाकात की है इस फैसले के बाद? नहीं, अभी नहीं, कोई अभी नहीं किया। ये अभी आपने सिर्फ अपने ही उससे किया, अपने बिहाफ पे जी।